आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर पोर्टुलाका मतलब मॉस रोज उसकी कटिंग आप घर पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इस पॉट में मिट्टी ली है, ये देखिए गार्डन सॉइल और सैंड का इस्तेमाल किया है मैंने, और कुछ इसमें गोबर खाद का इस्तेमाल किया है, और ये मेरे पास मॉस रोज की कुछ कटिंग है जैसे आप देख रहे हैं, और ये एक कैची। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मॉस रोज की जो कटिंग है उसे हम तैयार कर लेंगे। हमें जो मॉस रोज की जो कटिंग है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की चाहिए, तो ये जैसे मैं इसे यहाँ से काट दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये मेरे पास मॉस रोज की जो कटिंग है जो एक तैयार हो चुकी है। इसी तरह से सभी कटिंग को ऐसे ही काट के तैयार कर लेना है। मॉस रोज की कटिंग है जो ये सबसे आसान और जल्दी तैयार हो जाती है। इसके लिए आप चाहे तो 8 से 10 सेंटीमीटर से कम की कटिंग भी ले सकते हैं ग्रो करने के लिए। ये देखिए ये मैंने सभी कटिंग है जो तैयार कर ली है। ये देखिए इसे यहाँ तक लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर तक हमें इसे सॉइल में लगा देना, मतलब जो हमने जो पॉट लिया है उसमें लगा देना है यहाँ तक। ये देखिए तो यहाँ से जो मॉस रोज की जो रूट्स है वो यहीं से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसे अपने पॉट में लगाते हैं। तो मैंने जो एक पॉट लिया है इसके नीचे एक होल है ताकि जो एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो वहीं से निकल जाएगा। तो ये जैसे मैंने एक पैन की मदद से एक छोटा सा सुराख कर देना है और उसमें इस कटिंग को लगा देना है, लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर तक इसे नीचे लगा देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कुछ इस तरह से, और हल्के हाथों से दबा देना है। इसी तरह से हमें सभी की सभी जो कटिंग है उसे भी कुछ इस तरह से इस पॉट में लगाते जाना है। सभी कटिंग है वो इस मॉट में लगा देनी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मॉस रोज की जो कटिंग है वो अच्छी तरह से और जल्दी ग्रो हो जाती है, इसके लिए इसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता इसकी रूट बनने में। जैसे ये मैंने सभी कटिंग इस पॉट में लगा दी है और इस पॉट को लगभग 2 या 3 हफ्ते के लिए छोड़ देना है। 1 हफ्ते में इसमें फूल आने लग जाएंगे और 2 हफ्ते में जो इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी। लगाने के बाद ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और अब हम इसे धूप में जहाँ विंडो में इसे 2-3 हफ्तों के लिए छोड़ देंगे।
दो तीन दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे जो मॉसोस की जो कटिंग है वो अच्छी तरह से वो ग्रो हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरे पास जो ये जो मैंने सबसे पहले जो कलम लगाई थी वो है, इसमें अच्छी तरह से फूल भी आ चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से वो ग्रो कर चुके हैं। आप चाहें तो इसे नेचुरल फर्टिलाइज़र और गोबर खाद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से जो फूल आ चुके हैं।